मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को अगस्ता वेस्टलैंड मामले में गिरफ्तारी से 29 जुलाई तक अंतरिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने सोमवार तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और रतुल से जांच में सहयोग करने को कहा है। रतुल पुरी ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली की अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हिंदुस्तान पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष पुरी ने अदालत से कहा कि मामले में उन्हें गिरफ्तार किए जाने की आशंका है। उन्होंने कहा कि वे जांच में सहयोग कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं है। रतुल पुरी अगस्ता वेस्टलैंड वीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले मामले में आरोपी हैं। इससे पहले वे ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के डर से फरार हो गए थे। कहा जा रहा है कि ईडी ने अगस्ता वेस्टलैंड वीआईपी मामले में रतुल पुरी को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन गिरफ्तारी के डर से वे अधिकारियों को चकमा देकर फरार हो गए। बता दें कि 3600 करोड़ रुपए के वीआईपी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में सरकारी गवाह बने बिचौलिए और दुबई के कारोबारी राजीव सक्सेना द्वारा दर्ज बयान में पुरी का नाम सामने आया था। बता दें कि फरवरी 2010 में यूपीए सरकार ने ब्रिटिश इटालियन कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ वीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए एक सौदा किया था। इस सौदे के मुताबिक वायुसेना के लिए 12 हेलीकॉप्टर खरीदे जाने थे। सौदे में बिचौलिए की भूमिका निभाने वाले मिशेल को पिछले साल दिसंबर में यूएई से भारत वापस लाया गया है। मामले की जांच जारी है। SPN9 न्यूज के लिए मैं ब्रह्मांश यादव। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।